अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है मदीहा के बर्थडे का और मैंने उसमें टी पार्टी रखी थी, तो मैंने उसमें क्या क्या बनाया था और ये बर्थडे पार्टी हमने किस तरह से सेलिब्रेट की, मैं वो सब शेयर करूंगी आपसे। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ डोनट्स, क्योंकि मदीहा को डोनट्स बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैं डोनट्स बना रही हूँ। तो मैंने 1/4 कप ले लिया था नीम गर्म पानी और उसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून यीस्ट, और इसको मिक्स करके और क्लिंग फिल्म से रैप करके मैं रख दूँगी, ये थोड़ा फूल जाएगा तो इसके डो का फॉर्मेंटेशन बहुत ही जल्दी होगा और बहुत सॉफ्ट बनेंगे हमारे डोनट्स। तो मैंने इसको रैप कर दिया है और रख दिया है 10 मिनट्स के लिए साइड में। तो मैंने मदीहा के बर्थडे में सिर्फ टी पार्टी रखी थी, मैंने स्नैक्स बना लिया था, स्नैक्स टाइप बनाया था सारा, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही शिफ्ट किया था और 2 दिन बाद ही मदीहा का बर्थडे था, तो मैं डिनर और ये सब इतना प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने टी पार्टी रख दी। और उसमें ही मैंने थोड़ा हैवी बनाया था और सबका पेट भी भर जाता। हमारा पहले इरादा था कि हम अच्छे से मदीहा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अगर शिफ्टिंग का इस वक्त नहीं होता तो मैं बहुत अच्छे से डिनर सब कुछ रखती, लेकिन ऐसा हो गया कि मदीहा के बर्थडे से 2 दिन पहले ही हमने शिफ्ट कर लिया था, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया था सब के कुछ भी नहीं करूँगी। बट मदीहा इस बर्थडे पे अपने बहुत एक्साइटेड थी और उसने अपने बर्थडे के डेकोरेशन का सामान भी ले लिया था, और मदीहा का फर्स्ट और सेकंड बर्थडे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, तो मेरा दिल नहीं माना और मैंने सुबह में डिसाइड कर लिया कि मैं टी पार्टी रख लूँगी। तो मैंने ये डोनट्स का सेकंड स्टेप स्टार्ट कर दिया है, तो मैं डो लगाने जा रही थी डोनट्स का, तो मैंने एक बड़े बोल में ले लिया था 1 लार्ज एग और 1/2 कप मिल्क, 1 कप ऑफ शुगर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 कप ऑयल, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके इसमें 1.5 कप लिया मैदा। पहले इस मैंने 1.5 कप लिया, फिर ये थोड़ा मुझे स्टिकी लग रहा था तो मैंने इसमें 1/2 कप और ले लिया था, और उसमें ये जो यीस्ट का पेस्ट मैंने जो बनाया था वो फूल गया था अच्छे से 10 मिनट्स में, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया और सारी चीज़ों को मैदा के साथ मिक्स कर दिया और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लिया, और इसको मैंने काउंटर टेबल पर रखे अच्छे से इसको गून लिया था, और इसको बहुत देर तक गूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके मैंने इसको एक गर्म जगह पर रख दिया जिससे ये आटा अच्छे से फूल जाए। और दूसरी डिश मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस, तो मैंने उसके लिए चिकन पहले ही क्यूब्स में कट कर लिया था छोटे छोटे, और अब मैं नूडल्स को बॉईल कर लूँगी, और इसमें मैंने पानी में डाल दिया था नमक, ऑयल और नूडल्स डाल के इसको अच्छे से बॉईल करना है। अब सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए मैं सबसे पहले चिकन की ग्रेवी तैयार कर लूँगी, तो मैंने उसके लिए एक पैन ले लिया था, उसमें डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैंने चिकन क्यूब्स काट के जो रखे थे वो डाल दिए, और इसको मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिया था ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस, विनेगर और टमाटो केचप, और इसमें जाएगा रेड चिली सॉस, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया था और इसको भी मैंने पका लिया था चिकन के साथ। फिर इसमें थोड़े से जाएंगे ड्राई मसाले, तो मैंने इसमें डाला सॉल्ट, ब्लैक पेपर और अनियन पाउडर और ओरिगैनो और थोड़ा सा ये चिकन पाउडर था मेरे पास वो डाल दिया था, अगर ये नहीं है आपके पास तो स्किप भी कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला 1.5 कप के करीब पानी,
और फिर मैंने थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लोर घोल लिया था और उसमें डाल दिया, जिससे इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। चाइनीज़ टाइप बनता है ये सिंगापुरियन राइस, तो उसकी ग्रेवी है ये। और मैंने कोरिएंडर लीव्स डालकर इसको बंद करके रख दिया था, तो मेरी ये ग्रेवी तैयार हो गई थी। और मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे, नूडल्स मेरे बॉयल हो गए थे पहले ही। और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं डेकोरेशन, तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाई और फिर दोबारा मैं किचन में आ गई थी। अब मैं राइस को फ्राई करूँगी, तो मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया था और इसको बड़े स्लाइस में गार्लिक को कट कर लिया था और इनको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। इसको मैं बाद में टॉपिंग में यूज़ करूँगी। फिर मैंने इसमें डाल दी थी अनियन, हाफ अनियन है ये, और इसको मैंने फ्राई कर लिया था। इसको फ्राई करने के बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी थी, उसमें थी कैरेट्स, तो मैंने कैरेट्स डाल दी थी। कैप्सिकम मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मेरे पास थोड़ी सी फ्रोज़न पड़ी हुई थी, तो मैं उसका यूज़ नूडल्स जो बनाऊंगी उसमें करूंगी। तो मैंने इसमें डाल दी ग्रीन चिली बारीक कट करके, और इसमें डाल दिया था कैबेज थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेगर और सोया सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और टोमेटो केचप। बस इतनी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे बॉयल्ड राइस, जो इससे पहले बॉयल किए थे वो डाल दिए और सबको मिक्स कर दिया। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, वैसे तो सिंगापुरियन राइस में ओनली वाइट राइस ही होते हैं, बट मुझे थोड़ा फ्लेवर और देना था इसलिए मैंने इनको फ्राई किया है। तो थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ताकि इसमें थोड़ा फ्लेवर आएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद ये सब मिक्स करके मेरे फ्राइड राइस तैयार हो गए थे। अब मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स, तो मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया था क्योंकि नूडल्स ज़्यादा थे, और मैंने उसमें डाला ऑयल और उसमें डाला चॉप्ड गार्लिक, और उसके बाद उसमें डाल दी थी ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, फिर इसमें डाल दिए थे स्लाइस्ड अनियन और इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लिया था, और फिर इसमें डाल दिए थे जुलियन कटी हुई कैरेट्स और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। कैरेट्स पहले डाली थी क्योंकि वो थोड़ी देर में गलती हैं। फिर उसमें डाल दिया था कैबेज और कैबेज को भी फ्राई कर लिया था। फिर इसमें डाल दिए मैंने नूडल्स, नूडल्स मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए थे क्योंकि वो अलग से बाद में भी खा लिए जाते हैं, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। इससे स्पून से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने ये चिमटा ले लिया था, इसको घुमा घुमा के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब मैंने इसमें डाल दी थी सारी सॉसेस, तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला सोया सॉस, और इसमें जाएगा विनेगर थोड़ा सा, और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप और रेड चिली सॉस और थोड़ी सी शेज़वान सॉस, और मेरे पास शेज़वान ड्रैगन सॉस भी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी, और इसमें डाला थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं पास्ता में भी व्हिप्ड क्रीम या नॉर्मल क्रीम डाल देती हूँ, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद मेरे पास फ्रोज़न वॉलपेपर थी, तो मैंने वो डाल दी थी। शुरू में मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने अलग से पैन में फ्राई करके इसमें मिक्स कर दी थी, तो ये मैंने मिक्स कर दी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी इधर थोड़ा सा डेकोरेशन देखने के लिए कि कैसे डेकोरेशन कर रहे हैं हस्बैंड, तो वही मैं देख रही थी। देखो ये ऐसे लंबे हो जा रहे हैं। अच्छा, तो ये नहीं करना है, गोल करना है आर्च में। हाँ। अच्छा, क्या ऐसे बनानी है ये वाली? ये है सही साइज गोल। तो हस्बैंड अपना काम कर रहे थे और मैं फिर से आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए, थोड़ा सा और रह गया था।
तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मायो सॉस। तो मैंने उसके लिए ले ली थी हाफ कप मायो और उसमें डाल दी थी व्हिप्ड क्रीम और थोड़ा सा टोमेटो केचप और थोड़ी सी रेड चिली सॉस। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको एक पाइपिन बैग में फिल कर लिया था। इस सॉस का यूज़ मैं लास्ट में जब सारा असेंबल करूँगी सिंगापुरियन राइस तो उसमें बाद में डेकोरेट करने के लिए करना है। तो मैंने इसको पाइपिन बैग में डालकर रख लिया था। तो सिंगापुरियन राइस की सारी तैयारी हो गई थी, बस असेंबल करना रह गया है। तो मैं अब डोनट्स की तरफ आती हूँ। तो मेरा ये डो भी अच्छे से फूल गया है, तो मैंने इसको निकाल लिया था अपने रोलिंग सरफेस पर और मैंने इसके 4 पार्ट्स कर लिए थे। और इसको मैं बेल लूँगी, थोड़ा थिक ही बेलना है। और बेलने के बाद मैंने इसको कट करना है, गोल शेप में डोनट्स का शेप देना है। तो मैंने सोचा पहले ग्लास से करती हूँ, तो ग्लास से ज़्यादा अच्छा कट नहीं हो रहा था। तो मेरे पास मुझे याद आया मेरे पास ये कटर है, तो मैंने इसका यूज़ किया। तो मैंने इससे कट किया था डोनट्स को, मेरे पास डोनट कटर नहीं था, तो मैंने जो मेरे पास था मैंने वही यूज़ कर लिया। तो मैंने इससे सारे डोनट्स कट कर लिए, इससे मिनी डोनट्स बन गए, बड़े नहीं बने थे। तो उसके बाद मेरे पास नोज़ल थी, केक डेकोरेशन की नोज़ल, वो उससे मैंने इसका बीच वाला होल किया था। तो ये छोटे छोटे से बड़े क्यूट से मिनी डोनट्स बने थे जो बच्चों को बहुत पसंद आए और बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे और बहुत टेस्टी भी बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को डोनट्स बहुत पसंद आते हैं। तो हम घर पर बहुत सारे डोनट्स बना सकते हैं। तो मेरे इतने डो में, 2 कप मैदा के डो में इतने सारे डोनट्स बन गए थे। तो मैंने फिर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और सारे डोनट्स जो कट करके रखे थे वो मैंने थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लिए थे। हमारी बर्थडे पार्टी का प्लान बहुत सडन बना था, तो कुछ भी तैयारी नहीं थी। तो मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें बना ली थी, बाकी मैं रेडीमेड लेकर आई थी। और समोसे मैंने उस घर में बना दिए थे, तो वो समोसे फ्राई कर लिए थे और थोड़ी सी पाइस फ्राई कर ली थी। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट डोनट्स बने हैं। और उसी दिन हमें केक लेने भी जाना था, तो मैं केक लेने के लिए आ गई थी। तो मैंने चॉकलेट केक सिलेक्ट किया था, वरना हमारा प्लान था यूनिकॉर्न केक बनवाएंगे, क्योंकि हमारी थीम यूनिकॉर्न की थी, मधिया की ड्रेस भी यूनिकॉर्न की थी। बट इतना अचानक से हुआ सब कुछ, तो हमें जो केक मिला वही हमने ले लिया, क्योंकि थीम के अकॉर्डिंग हमें पहले से ही ऑर्डर करना था केक। तो हमने फिर चॉकलेट केक ले लिया था। और अब मैं बनाने जा रही हूँ डोनट्स की टॉपिंग। तो मैंने चॉकलेट ले ली थी पूरी बड़ी वाली डार्क चॉकलेट और उसको मेल्ट कर लिया था, उसमें डाली व्हिप क्रीम जो बची थी वो सारी मैंने इसमें व्हिप क्रीम डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी शुगर, क्योंकि डार्क चॉकलेट थी वो थोड़ी कम मीठी होती है, इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की थी। और फिर थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पर करके मैंने सारे डोनट्स पे ये चॉकलेट लगा दी थी। तो सारी तैयारी करने के बाद शाम में 5 बजे हम लोग केक लेने के लिए गए थे। तो वहीं से मैं ये चॉकलेट और जो इसकी टॉपिंग है ये रेनबो वाली, और इसमें 2-3 तरह की टॉपिंग है, वो मैं लेकर आई थी, क्योंकि ये मेरे पास नहीं था तो मैं ये उसी वक्त लेकर आई थी। तो 5 बजे हम लोग ये सब लेने के लिए गए, फिर 7 बजे सब लोगों को आना था, टी पार्टी 7 बजे स्टार्ट होनी थी। तो फिर जल्दी से आके मैंने ये चॉकलेट टॉपिंग बनाई और जल्दी से डोनट्स अपने कंप्लीट किए, और मुझे सिंगापुरियन राइस की भी सारी असेंबलिंग करनी थी। और हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले आए थे और मफिन्स ले आए थे और चॉकलेट्स लेकर आए थे। और बच्चों के लिए थोड़ा छोटा सा हमने रिटर्न गिफ्ट लिया था, एक बैग में हमने चॉकलेट्स रख दी थी और उसमें हमने लंच बॉक्स और वाटर बॉटल का सेट था वो रख दिया था। तो 3 उस मधिया के फ्रेंड्स थे, तो हम 3 ये गिफ्ट लेकर आ गए थे, जल्दी से केक लाए थे और ये लेकर हम जल्दी से घर आ गए थे। और फिर मुझे ये सारी असेंबलिंग करनी थी, तो मैंने सबसे पहले सब चीज़ों को गर्म कर लिया और सबसे पहले राइस रखे और उसमें बीच में थोड़ा सा होल किया और जो
नूडल्स बनाए थे वो रख दिए, और ये चिकन की ग्रेवी जो बनाई थी वो रख दी, और फिर जो मैंने ये सॉस बनाई थी पाइपिंग बैग में डाल के उससे ये डेकोरेट कर दिया, और मैंने ये गार्लिक जो फ्राई करके निकाल लिया था वो ऊपर से डाल दिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरी ये दो ट्रे बनके तैयार हो गई थी। फिर जल्दी से सारा काम फिनिश करके मैंने मदिहा को तैयार कर दिया था, और मुझे जो कपड़े मिले मैंने खुद भी तैयार हो गई थी, जल्दी जल्दी सब किया। फिर बच्चे भी आ गए थे और इनके फ्रेंड्स भी आ गए थे, तो बच्चों का थोड़ा फ़ोटोशूट चल रहा है, लोग मस्ती कर रहे थे, और मैंने सारा ये नाश्ता लगा दिया है, और मैंने फ्रोज़न समोसे फ्राई कर लिए थे, और पाइस थी चिकन पाई वो फ्राई कर ली थी, और सिंगापुरियन राइस ठंडे हो जाएंगे तो ये सब नाश्ता करने के बाद मैं वो रख दूँगी। तो बस सब केक कटिंग का टाइम है। तो केक कटिंग हो गया था, फिर उसके बाद मदिहा ने अपने फ्रेंड्स को केक खिलाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने सब ने बैठ कर ये नाश्ता किया, और फिर बस यही था मेरा छोटा सा आज का बर्थडे पार्टी ब्लॉग। तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, जितना हुआ उतना कर पाई, बहुत ही सडन बर्थडे पार्टी प्लान हुई थी। अगर शिफ्टिंग का इतना नहीं होता तो हमने बहुत अच्छी मदिहा की बर्थडे पार्टी प्लान की थी, केक सब कुछ हमने यूनिकॉर्न थीम का रखा हुआ था, बट केक तो नहीं हो पाया यूनिकॉर्न का, बाकी चीज़ें हमने पहले ही खरीद ली थी, डेकोरेशन का सामान और मदिहा का ड्रेस पहले ही ले लिया था। तो ये रखे थे हमने रिटर्न गिफ्ट्स, जिसमें लंच बॉक्स और वाटर बॉटल का सेट था, और चॉकलेट्स वेफर्स और ये सारी चीज़ें हमने इसमें रखी थी, और ये मग था पानी पीने का, क्योंकि एक बच्ची छोटी थी वो स्कूल नहीं जाती थी तो उसके लिए ये रखा था। तो बस यही था मेरा बर्थडे ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी भी पसंद आई होंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।